सफर करके आए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 32 किलोमीटर दिन के 3 बजे हम इतनी तेज धूप में और गर्मी की शिद्दत में हम सफर करके आए हैं। जब आके देखते हैं तो घर के सामने ताला लगा हुआ है। इस बेचारे ने हमारे लिए बर्फ भी लिया है, क्योंकि हम इसके घर आ रहे थे ना। इसने बर्फ भी लिया और कह रहा था अभी नींबू शिम्बू ले लूँ, कोई शिकंजी वगैरह बना लेंगे। हमने कहा चलो ना ले, पहले भी हम बोतल वगैरह पी के आए हैं तो रहने दें। चलो 30-40 रुपये इसके बचा लिए, लेकिन अब क्या करें, बर्फ़ तो लेके बैठा है। भाई कसूर हमारा भी नहीं है, इसे भी चाहिए था कि घर आने से पहले इसे चाहिए था कि इसे अपने अबू को कॉल करनी चाहिए। यार उठो जे टाइम मैं टूरा ना उठू, मैं कॉल की थी उन्हें, अबू आके मैं घर बैठा तू आवन जल्दी आवन। तो फिर तेरा अबू तेरे से दो नंबरी कर गए, तेरा अबू तेरे से दो नंबरी कर गए, तुझे चकमा दे दिया। यहाँ पे ताला, यहाँ से अंदर से ताला, उसके साथ ये बाटा हुआ है। बंदे काल नजर आने यार, ये बर्फ आपके पास उधारी हो गई, शाम को फिर हम आपसे बर्फ ले लेंगे ना। ये रख लें आप फ्रिज में रख लें, अब कोई चीज़ लेके आए उसे ज़ाया थोड़ी करेंगे। पानी पीने दे यार। ना यार है? तेरी बड़ी मेहरबानी यार। अरे पानी की बोतल जाती है जला। बस रंजा रंजा कर दी, मैं तो पहले आ गई मार चढ़ने वाला। क्यों पुत्र ना, बेटे की बात रलती है ना ही अब्बू की बात रलती है। वो कह रहा तू आ जा मैं घर बैठा हूँ, जब हम घर आके पहुँचे आगे से ताला लगा हुआ है। हम तो चले गए हैं, तू फिर तू बैठ, फिर हम आ रहे हैं घर के बाहर बैठो, फिर हम आ रहे हैं। चलो खैर, लोग धोखा करने वालिया नहीं, कोई लाइफ पार्टनर धोखा करने वालिया नहीं, सब कंप्यूटर का कार्य करते लगे। चलो खैर है यार।